हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के ये न्यू रेसिपी। आप ये रेसिपी ना कभी खाए होंगे ना कभी देखे होंगे, ये बिल्कुल न्यू है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और ये मज़ेदार रेसिपी बनाना सीखें। तो फ्रेंड्स, आइए आज की ये न्यू रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे लौकी। लौकी को बारीक काट कर मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। साथ साथ यहाँ पे मसाला बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के प्याज, अदरक लहसुन के पेस्ट, हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, आइए अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ साथ यहाँ पर हम लेंगे कद्दूकस किए हुए प्याज और इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। यहाँ पे 1-2 मिनट हो चुकी हैं, प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं और प्याज में हल्का गोल्डन कलर आ चुकी हैं। अभी हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको भी 1-2 मिनट प्याज के साथ रोस्ट करेंगे। और साथ साथ हम लेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले के वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है, इसीलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर घर का नॉर्मल मसाला लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच गरम मसाला। इन सारे मसाले को अच्छे से पकाने के बाद हम लेंगे लौकी बारीक कटे हुए और इनको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुकी है और इनको अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं लौकी 50% पक चुकी हैं। अभी हम और 2-3 मिनट पका लेंगे और यहाँ पे 7-8 मिनट में लौकी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी हैं। अभी हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे चावल मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो कर रखा था और यहाँ पे अच्छे से चावल भीग चुकी हैं। अभी हम लेंगे एक ग्राइंडर का जार और जार में चावल को ट्रांसफ़र करेंगे और आधी कप पानी डालेंगे और इनको बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अभी हम जो हम लौकी के सब्जी बना कर तैयार करके रखे थे इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको एक चमचा की मदद से अच्छे से घूट लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखें, सब्जी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, सब्जी गर्म होना चाहिए। और अभी हम चावल का बैटर को सब्जी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारे मिक्सर बिल्कुल तैयार हैं। अभी हम इनको साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और ये मिक्सर को कढ़ाई में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और यहाँ पे 5-6 मिनट हो चुकी हैं और एक साइड से ये पककर तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये पलट जाता है और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अभी हम दूसरी साइड से भी इसी तरह 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8-10 मिनट में दोनों साइड से अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं। अभी हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसको कट करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये कट जाती हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और बिल्कुल सॉफ्ट हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।